चलिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं घर पे ही चाट, आलू टिक्की का चाट। ये मैं बहुत ही आसान तरीके से बना रही हूँ। चलिए मेरी रेसिपी फॉलो कीजिए। चलिए फ्रेंड, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चाट। इसके लिए देखिए मैंने 2 से 3 आलू लिए हैं और इसको अच्छे से मैश कर लिए हैं। इसका हम लोग आलू टिक्की बनाएंगे। और देखिए ये चना की सब्ज़ी है, छोले ये मैंने बना के रखा हुआ है, और ये मीठा दही है, और ये इमली का जो मीठा वाला चटनी रहता है वही है, और इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे, इसमें धनिया की पत्ती, प्याज। तो चलिए आलू टिक्की बनाते हैं हम लोग। बहुत ही इजी है, आप घर में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ये मैंने गुपचुप का पानी भी बना के रखा है। ये हम सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा धनिया और प्याज मिला लेते हैं, नमक टेस्ट के हिसाब से, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये थोड़ा सा चाट मसाला मिला दी हूँ। अब एक साथ मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने एक पैन लिया है, इसमें तेल ग्रीस कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने चार टिक्की बना ली है आलू की। अब चलिए इसको सेकते हैं। दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएगी। देखिए फ्रेंड, ये हमारा आलू का टिक्की अच्छे से सिक गया है। चलिए इसको पलटा लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ये आलू टिक्की हमारी दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है। हम लोग गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और टिक्की हमारी सिक गई, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए फ्रेंड, हम लोग बनाते हैं अब ये एक टिक्की ली हूँ, और इसमें डाल देते हैं हम लोग छोले। प्याज, धनिया, दही, ये हल्का सा खट्टा पानी डाल देती हूँ मैं। नमक, मिर्ची, थोड़ा सा चाट मसाला। चलिए फ्रेंड, अब इसमें हम लोग ये बारीक सेव डाल देते हैं। देखिए ये हमारा चाट रेडी हो गया है, खूब अच्छे से बना है और बहुत ही टेस्टी। चलिए खाने के लिए रेडी हो गया है। आई होप आप सभी को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, एकदम मिनटों में। तो चलिए आप भी अपने घर में बनाइए, जैसे आपने छोले बनाया है, छोले की सब्जी, तो आप उसे भी चाट बना सकते हैं। वैसे मैंने पहले से बना के रखी हुई थी चाट के लिए छोले की सब्जी, और बहुत ही आसान है, घर में भी बाहर का मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए आप अपने घर में बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए।